अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हाथरस मामले में अपनी ओपिनियन देने वाले दो डॉक्टरों को टर्मिनेट कर दिया है। हाथरस की बिटिया के गैंगरेप मामले में इलाज करने वाले डॉक्टर और सीएमओ को हटाया गया है। सीबीआई टीम की जांच के बाद दोनों डॉक्टरों को हटाया गया है। इस वाकये के बाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों में रोष है। आरडी अध्यक्ष ने डॉक्टरों को वापस लेने की मांग की है। वापस नहीं लेने पर स्ट्राइक पर जाने की चेतावनी दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जैन मेडिकल कॉलेज का मामला है। सूत्रों की अगर माने तो दबाव के चलते एएमयू कुलपति वापस ले सकते हैं अपना फैसला। जैन मेडिकल कॉलेज में दो डॉक्टरों को हटाए जाने से मेडिकल डॉक्टरों में रोष फैल गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम के जांच करने के बाद मेडिकल के प्रिंसिपल की तरफ से फैसला लिया गया है। वहीं इसमें कुलपति तारिक मंसूर की सहमति भी बताई जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर हमजा मलिक ने डॉक्टरों को टर्मिनेट करने पर स्ट्राइक पर चले जाने की चेतावनी दी है। वहीं डॉक्टरों के स्ट्राइक पर चेतावनी देने के बाद अस्पताल प्रशासन व कुलपति नरम पड़े हुए हैं। वहीं हटाए गए डॉक्टर उबैद इम्तियाज ने कहा कि आज मेडिकल प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि अब आप काम नहीं करेंगे। डॉक्टर इम्तियाज ने बताया कि मुझे यह बताया जाए कि किस वजह से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड को लेकर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन जेएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमएस ने किस आधार पर निकाला है अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। वहीं डॉक्टर अजीम मलिक ने बताया कि इसी साल पीजी पास आउट हुए हैं और मेडिकल कॉलेज में सीएमएस का काम देख रहे थे। डॉक्टर अजीम ने बताया कि हाथरस बाकियों को लेकर सीएफएल रिपोर्ट पर ओपिनियन दिया गया था और एक डॉक्टर होने के नाते केवल अपनी ओपिनियन ही दी थी। उन्होंने बताया कि मीडिया के लोग आते हैं और ओपिनियन मांगते हैं। डॉक्टर अजीम ने सवाल उठाया कि क्या उसी स्टेटमेंट के प्रेशर की वजह से उनको टर्मिनेट किया गया है या फिर किसी और प्रेशर के तहत हटाया गया है। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन अच्छा काम कर रहा है। इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक ने कहा कि अगर टर्मिनेशन वापस नहीं लिया जाता तो डॉक्टरों की स्ट्राइक हो सकती है। मैं डॉक्टर उबैद नाम है। मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ था कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। सिक्योरिटी क्या हुआ? मुझे आज एक नोटिस मिला है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल किया जाता है और वो अप्रूव नहीं होगा, तो आप आज से ड्यूटी पर मत आइए। क्या कारण है इसके पीछे? कि कारण तो हमें बताया नहीं गया इसमें कुछ। तो क्या क्या कारण है इसके पीछे? ये तो मैं नहीं बता सकता क्या क्या मेन रीज़न है, क्योंकि जी सीबीआई हमसे नहीं हुई थी डायरेक्टली, उन्होंने रिटर्न में दिया था। मेन जो सीएमओ इंचार्ज है वो रिटर्न रिप्लाई करते हैं। सीबीआई ने डायरेक्टली कोई पूछताछ नहीं की। आपको सस्पेंड करने का ऑर्डर किसने निकाला है? आगे लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? हमें टेलीफोन से, जो हमारे सीएमओ इंचार्ज है जिन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर ने टेलीफोन से उनको बोला है कि इनको आप टर्मिनेट कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कोई ऑर्डर निलंबित किया? नहीं, हमारे पास हमारे सीएमओ इंचार्ज की कॉल आई थी। उन्होंने हमें बोला है कि आप वाइस चांसलर से उनका टेलीफोनिक वो कॉल हुआ है। वाइस चांसलर सर ने आज जो है हमें आज से मुझे एंड डॉक्टर उबैद को फर्दर ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया है। आगे हमारा अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द लीव वैकेंसी था, मतलब हम परमानेंट नहीं थे। हम लोग ने अभी पीजी पास किया था, इसी साल हमको बुला के ज्वाइन कराया था कि कोविड, हमारे यहाँ से कई डॉक्टर्स को कोविड हो गया था, कई सीएमओज को कोविड हो गया था, उनके अगेंस्ट में हमने ज्वाइन किया था। उस वक्त बुला के ज्वाइन किए थे, अभी जब ये क्राइसिस हो रही है तो फिर अब वो मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पीछे क्या हाथरस की वजह है? मे भी एक वजह हो सकती है। उस वक्त हम लोगों ने हमसे, मतलब मीडिया वाले आते थे, सीएमओ के पास आते हैं, यहाँ पे आके बैठे रहते थे, तो हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे थे तो एज ए डॉक्टर हमने ओपिनियन दिया था अपना। सीएमओ की टीम, सीबीआई की टीम आई थी, उनसे क्या पूछताछ हुई? नहीं, हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो अभी आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, आगे क्या कहना है? हमने अपना एक मेमोरेंडम एंड एक हमारी टीम ने हमने भेजा, अपना लेटर भेजा है वाइस चांसलर को, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है वहाँ से। नहीं नहीं, हम टीम ने इलाज जो किया था वो हमारी न्यूरोसर्जरी टीम ने किया था। हम लोग एक्टिंग सीएमओ हैं, यहाँ पे जितने केसेस आते हैं अगर उस दिन हमारी ड्यूटी होगी तो हम यहाँ रहते हैं मौजूद। उसको लेकर कोई बयानबाजी की थी? नहीं, बयानबाजी का कोई वो नहीं, बयानबाजी कोई नहीं हुई थी। बाकी जर्नलिस्ट आते हैं यहाँ पे, पूछने आते हैं क्या हुआ क्या नहीं।